हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। मैं भी आप लोगों की तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने भी SBI क्लर्क 2020 दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ बट मेंस नहीं क्लियर हो पाया। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी क्वांट में स्पीड कैसे इंक्रीज़ की, मैं क्या क्या डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए बताने वाला हूँ इस टाइम कि प्रीलिम्स में आपको डेली क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएँ। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या डेली प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, क्वांट के अंदर जो प्रीलिम्स में आता है वो DI आपको देखने को मिलती है 1 से 1 से 2, या सिंप्लीफिकेशन आपको मिलते हैं 10 से 12, और क्वाड्रेटिक आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और नंबर सीरीज आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और अर्थमेटिक के आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो आपका जो है 70 to 80% जो सिलेबस है वो इन्हीं टॉपिक 4 टॉपिक में से कवर हो जाता है। तो आपको जो है इन चारों टॉपिक पे काफी फोकस करना है और इन चारों टॉपिक की टफ प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अर्थमेटिक को करने का आपको टाइम मिलेगा। तो देखिए, मैं अपना आपको डेली शेड्यूल बताता हूँ कि मैंने अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मैं इनके कितने कितने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और आप भी यही शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। और आप 1 मंथ तक ये शेड्यूल फॉलो करिए, और फिर देखना आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो चुकी होगी और टाइम काफी डिक्रीज हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, DI के मैं क्या करता हूँ, DI के लगाता हूँ मैं 5 सेट डेली प्रीलिम्स लेवल के। सिंप्लीफिकेशन के मैं लगाता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक के मैं लगाता हूँ 10 क्वेश्चन। नंबर सीरीज के मैं लगाता हूँ 20 क्वेश्चन, जिसमें 10 होते हैं मिसिंग के और 10 होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के। और अर्थमेटिक के देखिए मैं लेता हूँ 10 क्वेश्चन डेली, जिसमें से मैं 2 टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन लगाता हूँ। तो मैं ये डेली इतने इतने क्वेश्चंस की दोस्तों प्रैक्टिस करता हूँ। अब देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सोर्स, कि आपको ये सब प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो देखिए, मेरा जो सोर्स रहता है, मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूँ, हालांकि मेरे पास काफ़ी मल्टीपल सोर्सेस हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाँ आप और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पहला मेरा सोर्स जो रहता है वो रहता है प्रैक्टिस मॉक। आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्रैक्टिस मॉक का, फिर आप प्रैक्टिस मॉक की ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें आपको टॉपिक क्विजेज मिलेंगे। जब आप ये टॉपिक क्विजेज खोलेंगे तो आप क्वांट का सेक्शन खोलना, क्वांट के सेक्शन में आपको टॉपिक क्विजेज मिलेंगे, काफी टॉपिक क्विजेज मिलेंगे, लगभग 49 वहां पे सिंप्लीफिकेशन के सेट पड़े हैं, और आपके लगभग 37 to 40 ही पड़े हैं DI के, और 45 to 50 तक पड़े हैं आपके नंबर सीरीज के, और इसी तरीके से 30 to 35 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक के शायद कम है अभी यहाँ पे, बट ये डेली डालते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक सेट में यहाँ पे 1 सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से आपके 490 क्वेश्चन हो गए, और आप इन 490 क्वेश्चन को अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे लगाते हैं तो 449 डेज तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे देखिए, DI के 1 सेट में 2 DI होती हैं, इस तरीके से आपके 1 DI में 10 क्वेश्चन होते ही हैं, तो आप आराम से 2 DI 3 DI सेट लगाइए, जिसमें आपकी 6 DI प्रैक्टिस होंगी डेली। इसी तरीके से नंबर सीरीज के 1 सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो नंबर सीरीज के भी आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लगभग 450 to 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहीं आप क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहाँ पे भी 1 सेट में इनके 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप ये एकदम जेन्यून सोर्स है और एग्जाम लेवल का सोर्स है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से तो आपकी स्पीड जो है क्वांट के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको आने वाले जो मॉक टेस्ट है मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैं क्वांट में कितना स्कोर करता हूँ, या मेरा ओवरऑल स्कोर जो है वो कितना बढ़ गया है। तो आप जरूर इस शेड्यूल को फॉलो करिएगा,
और अगर आपको और भी सोर्स से प्रैक्टिस करनी है, अगर और भी सोर्स, फ्री सोर्स देखने हैं, जानने हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप और सोर्स की और क्वांट की जो है कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे काफ़ी दो तीन सोर्स पता है जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे प्रीलिम्स की। और दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है उन लोगों के लिए है जो 2 महीने से क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन लोगों को पता है कि DI के कितने क्वेश्चन करने हैं और सिंप्लीफिकेशन के करने हैं, क्वाड्रेटिक के कितने करने हैं। तो चलिए, थैंक यू।